यहाँ पे जो है वो अभी के मौजूदा हालात है, हमारी सरकार लाई है CA एक्ट और हम लोग इसका विरोध करें क्योंकि वो किसी भी तरह से देश के लिए सही नहीं है। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जब संविधान का फर्स्ट लाइन ही है कि हम सब भारत के लोग, उसमें तो ये नहीं है कि हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के हिंदू या सिख ईसाई, जब वो हम भारत के लोग हैं तो फिर आप क्यों उसमें छेड़छाड़। फिर आपने जो ये एक्ट लाया है, ठीक है, आप इसमें आप ही के लफ्जों में आप कहते हैं कि हम बाकी मुसलमान छोड़कर हिंदू भाई से ईसाई सभी को लाएंगे। आपकी मुसलमान से क्या दुश्मनी है, आप बताएंगे ना नरगिस पर। और अभी से जो भी कैमरा मैन आते हैं ना, तो मोदी जी कहते हैं कि कपड़े से पहचानेंगे, ठीक है, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप सबके नाम से पहचानिए। आज से हर कोई का नाम एक हिंदुस्तानी होगा, ठीक है, और आप उसके नाम से ही बताइए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, तभी आपके टैलेंट को देखते हैं क्या। जी मैं PhD के, अभी मेरा PhD में एडमिशन स्टार्ट है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। पता है कि लास्ट डेट 31 जनवरी ही है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिर PhD मैंने पॉलिटिकल साइंस ही किया, फिर मेरी पढ़ाई का क्या मतलब है। हम लोग यहाँ विरोध करते हैं तो कहते हैं कि स्टूडेंट है वो नहीं, स्टूडेंट भी आतंकवादी है। आप स्टूडेंट को भी आतंकवादी कह देते हो, जाम यहाँ के स्टूडेंट वो भी पढ़ने वाले नहीं है। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उसे तो पूरी कानून पता है। सरकार से क्या मांगे आपने? सरकार से हमारी मांगे है कि वो CA जो एक्ट लाई है उसको वापस ले और NRC को लागू ना करे। NPR के सब जो मतलब इसमें जो वो संशोधन किया ना वो सब वो वापस ले, क्योंकि कोई भी देशवासी इसको मानेगा नहीं। आप सड़कों पर आकर बैठे हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि CA वापस ले लें। हम CA से परेशान हैं, हम लोग का कितना सारा पढ़ाई लिखाई सारा बंद हो रहा है, उनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। वो हमें बहने कहते हैं, आज की बहने सारे सड़क पे बैठी हैं, क्या बहनों का अब प्यार नहीं याद आया? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, CM लॉ कॉलेज की। हम ऐसे स्थिति में पहुंचे, क्या हम पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है? वो कहते हैं पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार है, उन लोगों को पैसे देकर या कुछ भी देकर यहाँ पे लाया गया। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर, हम सारे आम बैठे जब तक ये वापस ना ले। मोदी हमें अपनी बहने कहते हैं, क्या बहने का इतना भी नहीं हो रहा है? रात में नहीं, रात में चले जाते हैं, है ना, हम लोग शाम में यहाँ तक चले जाते हैं, सुबह आते हैं, यहाँ 3 दिन का है। बहुत दिक्कत है, हमें देखिए अभी भी हमारे दलित आए हैं जिनको घर नहीं है, ये तो सीधे ही मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम का ही कोई नहीं। देखिए हम एक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम हिंदुस्तान में यहाँ रहते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमने खुद से हम कोई बाय चांस नहीं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। आप लोग को पता है ना, हम लोगों ने पाकिस्तान को ठुकरा कर हम हिंदुस्तान में रहने के लिए आए हैं, अपने हक अधिकार के लिए। आज नहीं बोले तो हम कभी नहीं बोलेंगे। क्या हम आज हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब क्यों नहीं सोचते हैं कि आप इतने ठंडी में, आपको पता है कितने सारे हमारे साहिब बाग में देख लीजिए कितनी सारी बहनें परेशान हैं, क्या उनको ही नहीं है? अगर उनको छोटे छोटे बच्चे लेकर ठंड से डरती रहती हैं, हम लोग कभी किसी के यहाँ पर बोलते नहीं है। आज मैट पे खड़े हैं क्यों? कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है। जो मोदी सरकार जीतने के बाद वादा कर रही थी, क्या उसमें कमी आ रही है? बहुत सारी कमियां आई हैं। पहले तो था शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, शिक्षा इम्पोर्टेंट होगा ना, तो शिक्षित हुई ना महिला, तो आप सोचे ना कि वो सवाल कर रही है। तो मैं लॉ कर रही हूँ, जी हाँ मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेरा हो चुका है, अब मैं पटना जाऊंगी। मोदी सरकार से बस यही मैसेज है, मोदी सरकार आप ये नहीं सोचिए कि हम अनपढ़ महिलाएं हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम ना किसी के दबाव में यहाँ आए हैं। मैं खुद घर से अकेला आई हूँ, मेरी माँ बीमार है, पर मैं यहाँ आई हूँ क्यों, किस वजह से, क्या जरूरत है हमें? हम इतनी यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? क्यों आपने हमारे साथ विभिन्नता डाला है तो हम यहाँ पे आज खड़े हैं? अगर हम आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। अब मैं हिंदू मुस्लिम भाई से सबसे अनुरोध करती हूँ, सब हमारा साथ दें। मेरा नाम यास्मीन परवीन है।